हेलो एंड वेलकम टू अवर ट्वेंटी फोर सेवन माई नेम इस निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर एन पी एस एन पी एस की ग्रेड ए और ग्रेड बी की जो वैकेंसीज़ है दे आर एक्सपेक्टेड ये कहा जा रहा है स्पेकुलेशन है कि ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन कुछ समय में आने वाली है बट इस समय अगर हम जानना चाहें कि क्या है एन पी एस एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर uh, जो जॉब प्रोफाइल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्या हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एनपीएस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या कोई ऐसा एग्जामिनेशन भी है जहां पर हमें कुछ कॉमन मिल जाए बिकॉज ऑब्वियसली हम सब रेगुलेटरी एस्परेंट जब हम बात करते हैं उनकी तो रेगुलेटरी एस्परेंट हमेशा ढूंढता है कि कुछ तो कॉमन हो कुछ ऐसा हो जो मैंने किसी और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया हो और उससे कुछ टेक्निकलिटीज के साथ में मिला जुला ही मुझे कुछ मिल जाए इज इंट इट सले

वो अगर हम बात करते हैं यानी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके अंदर ये है एज पर द प्रोविजन ऑफ एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट एटीन एटी टू जहां पर वो पेंशन का ध्यान रखता है न्यू पेंशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं इस केस में क्या होगा एनादर स्कीम जो पी एफ आर डी की तरफ से चलती हैं एन पी एस के अंडर लोग अपने आफ्टर uh, रिटायरमेंट के लिए इसमें अपनी तरफ से सेविंग्स करते हैं अलॉन्ग विद डैट ऑर्गेनाइजेशन भी उसमें कहीं ना कहीं डालती है यानी ये नया सिस्टम था जब पेंशन जब बंद हुई है तो उसके बाद इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जिसके कारण लोग अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स साथ में खुद कर सकते हैं सो वेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इसकी uh, जो ऑफिशियल uh, नोटिफिकेशन है उसकी जो प्रीवियस नोटिफिकेशन थी वो आपको देखने को मिलती है ट्वेंटी ट्वेंटी वन के अंदर तो वहाँ पर आपके पास ये आ जाता है कि आ, तब इसका रिक्रूटमेंट साइकिल कंडक्ट किया गया था इस पेपर की खासियत यह है कि आपके पास इसमें दो आपके पास स्ट्रीम्स है यानी ग्रेड ए है और ग्रेड बी है और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इवन इसमें मल्टीपल स्ट्रीम्स भी हैं सो so, अगर मल्टीपल स्ट्रीम्स है तो उन मल्टीपल स्ट्रीम्स में अब आप बस आपको ये देखना है कि आपकी एलिजिबिलिटी कहाँ रहती है तो आप एक से ज़्यादा पेपर के लिए भी अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं तो बात करें जब हम रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आती है उसकी एलिजिबिलिटी लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर दिस एग्जामिनेशन नंबर वन दैट कम्स हेयर इज स्ट्रीम फॉर ग्रेड ए मे वी टॉक अबाउट द ग्रेड ए एग्जामिनेशन आपके पास पहले ग्रेड ए है, है फिर ग्रेड बी है सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एरिया यहाँ पर जो आपसे बात की जा रही है वो है इसके ये ग्रेड आपके पास आता है मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन बैचलर्स डिग्री इन लॉ बैचलर्स डिग्री ये ना आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पर ना आपके पास ये स्ट्रीम्स को डिफाइन किया गया था फॉर द एरिया ऑफ ग्रेड ए एज वेल एज ग्रेड बी सो यहाँ पर मैं ये सारा कवर करने वाली हूँ कि इनके मैनेजर और बाकी सबके लिए क्या क्या है राइट right? सो so, जब हम बात करते हैं इसकी ले मी टेल यू अबाउट द डिटेल्स देर ये वाला जो है ये आपके लिए ग्रेड बी का है फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद आगे ग्रेड ए का आएगा पहले ग्रेड बी का बता देती हूँ ग्रेड बी में हमारे पास ना मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एज सच इस एग्जामिनेशन के अंदर भी सेबी जैसा क्राइटेरिया है कैसे जैसे सेबी के ग्रेड ए के एग्जामिनेशन के अंदर मास्टर्स डिग्री आपके पास किसी के अंदर भी हो अगर आपने बैचलर्स की है लॉ के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने बैचलर्स की है इंजीनियरिंग के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन सी ए है सी एस है सी डब्ल्यू है सी एफ ए है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है अब साथ ही साथ ग्रेड बी में एक और चीज आपको देखने को मिलती है यानी एक तरफ से तो आपकी मास्टर्स डिग्री जो है वो होनी चाहिए या फिर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर लॉ वाले बट अदर इन इज वन मोर थिंग दैट हैज बिन डिफाइंड दैट इज डिजायरेबल एक्सपीरियंस अब ये क्वेश्चन उठता है मैम डिजायरेबल एक्सपीरियंस होगा तो क्या ऐसा कुछ वेटेज भी है इसकी वेटेज आपको मिलेगी इसके इंटरव्यू के अंदर तो हम इंटरव्यू की जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के इन डेप्थ डिटेल में जाएंगे ना तब उसके बारे में भी बात करेंगे देन टिल देन ये समझते हैं कि अगर डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस दैट मीन्स ये कंपल्सरी नहीं है लेकिन ये डिज़ायरेबल है यानी इन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी किस तरह से उनके पास है मिनिमम थ्री ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द ऑफिशियल कैडर इन डीलिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पेंशन फाइनेंशियल सेक्टर स्पेशल नॉलेज हो आपके पास में एक्सपीरियंस इन लॉ हो इन्वेस्टिगेशन फाइनेंस इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी और तरीके से दैट इज़ यूजफुल फॉर द ट्रस्ट यानी थ्री ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस uh, 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 है इन दिस पर्टिकुलर फील्ड जहां पर आप एन पी एस के लिए एक बेनिफिशियल पर्सन प्रूव होते हैं अगेन ट्रेंड लोगों का फर्क तो पड़ता ही है ना इफ़ यू आर ऑलरेडी ट्रेनड देन इट इज़ ईजियर फॉर यू टू कोप अप विद द न्यू चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल टुगेदर तो ये आपके लिए वहाँ पर डिफाइंड है नेक्स्ट इज़ ये आपके पास ना दो स्ट्रीम्स में आया था पिछली बार का जो ग्रेड भी था वो जनरल और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आई टी में आया था अब जैसे मैंने आपको कहा था कि ऐसा भी होता है कि इन एग्जामिनेशनस के अंदर आप एक नहीं आप एक से ज़्यादा स्ट्रीम्स में अप्लाई कर सकते हैं यानी अगर आप आ, बैचल आप इंजीनियरिंग के एस्परेंट है तो इंजीनियरिंग का कोई भी स्टूडेंट जो है जिसने बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग की हुई है अगर वो यहाँ पर जा रहा है और उसके पास रिक्वायर्ड डिग्री आईटी के अंदर भी है तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है राइट सो so, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम में क्या है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल हो इलेक्ट्रॉनिक्स हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो आईटी हो देन कंप्यूटर साइंस हो आपके पास मास्टर्स हो देन बैचलर डिग्री हो इन डिसिप्लिन विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन जहाँ पर आपने मिनिमम टू ईर्यर्स के लिए क्या किया होगा आपके पास कंप्यूटर या आई आपने किया होगा साथ ही साथ अगेन अगर हम आईटी की भी बात करते हैं ग्रेड बी के अंदर उन्होंने आईटी में भी डिफाइन किया हुआ है कि मिनिमम थ्री इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका उस रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए ठीक है सो ये आ गया आपका नेक्स्ट पॉइंट देन हमारे पास ये है आपका ग्रेड ए का एक्चुअली क्या उल्टा हो गया सो लेट्स टॉक अबाउट द ग्रेड ए देर अगर कोई ग्रेड ए के लिए अप्लाई कर रहा है तो वहाँ पर आपके पास क्या रहता है मास्टर्स डिग्री का आपके पास क्या होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री इन लॉ होनी चाहिए या फिर आपके पास क्या होगा द बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी सी एस सी एफ ए सी एस एन सी डब्ल्यू ए जो आपका अच्छा इससे एक डाउट उठ सकता है कि मैम ग्रेड ए और ग्रेड बी में क्या डिफरेंस है राइट right? ये डिफरेंस आना तो दिमाग में जायज़ है देखिए ग्रेड ए और ग्रेड बी पिछली बार ये दोनों की पोजिशंस आई थी जब हम लोग बात करते हैं ग्रेड ए और ग्रेड बी की दिस इज़ अ जूनियर पोजिशन एंड दिस वन इज़ अ सीनियर पोजिशन तो अगर आप एक सीनियर पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी क्राइटेरिया भी ज़्यादा है उसका पे स्केल भी ज़्यादा है और उस पेपर के अंदर जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है वो भी रिक्वायरमेंट में ज़्यादा है दैट्स वाई जब आप ग्रेड बी में अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपके पास वो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन वाले आपके पास जो क्राइटेरिया है वो आपके पास है तो आपके लिए वो विन विन सिचुएशन है क्योंकि वो आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा एंड अभी जब मैं इसकी सिलेबस uh, को डिस्कस करूंगी ना तो सिलेबस के अंदर हम एक और पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी बात करेंगे यानी हम इसके साथ में जुड़ा हुआ ऑफिस बात है हम सब प्रिपेयर करते हैं सोचा हैं क्या कोई और एग्जामिनेशन है अगर मैं एन के लिए बैठूँ तो वो भी पेपर प्रिपेयर हो पाएगा बिकॉज अगेन रेगुलेटरी बॉडीज के हर एग्जामिनेशन के अंदर एक दिक्कत तो है कि यहाँ पर सीट्स लिमिटेड है और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है तो हमें ये सोच चलना है कि कौन सी वाली और एग्जामिनेशन है जिसके साथ में कवर किया जा सकता है सो इन द अपकमिंग पार्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कौन से पेपर के साथ में कौन सी चीजें सिमिलर है ताकि आपको आइडिया रहे कि अगर आप एनपीएस के प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनपीएस पढ़ रहे हो कुछ और पेपर्स भी हैं जो उसके साथ में जुड़ते हैं तो चलिए बात करते हैं आगे ये था आपका स्ट्रीम आपका फॉर ए एज बी अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एज क्राइटेरिया क्या है नोटिफिकेशन भी भी तो आपकी कट ऑफ डेट के हिसाब से व्हाट डू वी डू एग्जैक्टली जो भी हमारी कट ऑफ डेट रहती है उस कट ऑफ डेट के ऊपर आप बिलो थर्टी होने चाहिए हो जो भी पर्टिकुलर डेट होगी आपकी एज थर्टी नहीं बिलो थर्टी होनी चाहिए नंबर वन और अबव ट्वेंटी वन होनी चाहिए हर जगह आपको रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन में यही दिखेगा कि बिलो ए द एज ऑफ थर्टी एंड अबव द एज ऑफ ट्वेंटी वन किस दिन पर जो भी आपकी कट ऑफ डेट बोली जाएगी आइडली जो आपकी डेट ऑफ नोटिफिकेशन होती है उसे ही वो कट ऑफ डेट बोलते हैं बट कई बार आपका जैसे पिछली बार के सेबी के एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं था तो हो सकता है कुछ इस तरीके से ना हो दैट्स वन ऑफ द बेसिक एरियाज जहां पर आप कवर करना है नेक्स्ट हमारे पास क्या है थर्टी ईयर्स अगेन मैंने आपको बताया ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए थर्टी ईयर्स की एज डिफाइंड है Then, हमारे पास आ जाता है पे एंड अलावेंस इज वन ऑफ द बेसिक रीजन दैट एवरीबडी फील्स मोटिवेटेड टू डू द जॉब इज आपको पे क्या मिल रही है आपको उसमें बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं क्योंकि लेट्स फेस इट बिकॉज एवरीबडी इज बिल्डिंग अप देयर करियर्स ना अगर आप अपने करियर को बिल्डअप करते हुए देख रहे होते हैं तो हमेशा उसके साथ में ये ढूंढते हैं कि क्या ये मोटिवेशन है कहाँ पर स्टैंड करती है हमारी पे और अलावेंसेज के साथ जुड़ी हुई वो मोटिवेशन इज इट तो चलिए जब हम इस मोटिवेशन को देखते हैं तो हम उसे कैसे देखें नंबर वन आपका जो पे स्केल है द पे ऑफ द ऑफिस ऑफ ग्रेड बी दैट इज थाउजेंड वो बढ़ता है फॉर नाइन ईयर्स इट वुड बी वन उसके बाद इट वुड बी फिफ्टी एंड देन उसके बाद आपकी वन का इंक्रीज है एंड देन इट गोज़ अप टू द एज ऑफ अप टू दाइम एन ईयर ऑफ सिक्सटीन ईयर्स आपका हो जाएगा बेसिक पे टू थाउजेंड फोर हंड्रेड का जब प्रेजेंटली एन पी एस की तरफ से बात की जाती है यानी एन पी एस ट्रस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन की इस तरफ की बात की जाए तो ग्रेड अलाउंस मिलता है स्पेशल अलाउंस मिलता है डी ए मिलता है यानी डियरनेस अलाउंस मिलता है लोकल कॉम्पेसेट्री अलाउंस मिलता है और इवन हाउसिंग अलाउंस भी मिलता है अब ये तो बात हुई मनी की ना मॉनेटरी टर्म्स में आपको क्या मिल रहा है बेनिफिट्स भी तो दिए जाते हैं आपके पास बेनिफिट्स में क्या आता है लीव फेयर कंसेशन है आपके पास आपके पास मेडिकल एक्सपेंसेस कवर किया जाएगा हॉस्पिटलाइजेशन एंड नॉन हॉस्पिटलाइजेशन बोथ पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपकी है आई रेफ्रैक्शन कॉस्ट ऑफ स्पेक्टिकल्स एजुकेशन अलाउेंस यानी अगर आप पढ़ना चाहते हैं फाइनेंशियल डेलीज एंड देन बुक ग्रांट आपको मिलता है ब्रीफ केस एज वेल एज द कन्वेंस एक्सपेंसेज हैं साथ में आपको हाउस क्लीनिंग एक्सपेंसेस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम देन दे हैव द स्कीम फॉर परचेजिंग द कंप्यूटर्स यानी अगर आप अपना घर फर्निश करना चाहते हैं तो आपको uh, एक लेसर अमाउंट यानी आपको लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको एडवांसेस मिल जाते हैं आपको आ, जो इवन लोन्स आपको आराम से मिल जाते हैं बेस्ड अपॉन दिस उस जैसे आपके पास ये आया कि आपके पास स्कीम फॉर परचेजिंग कंप्यूटर्स भी है आप एडवांसेस लेकर अपने लिए कंप्यूटर्स बाय कर सकते हैं और ये सब आपको अलाउड है किसके अंदर ग्रेड बी के ऑफिसर के अंदर ठीक है और इसके जब हम सी की बात करते हैं कॉस्ट ऑफ द कंपनी की बात करते हैं इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी वन लाख पर एनम

ये हुआ हमारा ग्रेड बी के मैनेजर का अब ग्रेड ए की बात की जाए तो उसका पे स्केल क्या होगा अगेन मैंने आपको बताया कि जो ग्रेड ए का ऑफिसर है वो जूनियर है और ग्रेड बी है वो सीनियर है तो उसके हिसाब से पे स्केल में भी आपको एक बदलाव दिखेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रेड ए ऑफिसर आपके पास ट्वेंटी एट थाउजेंड से अपू फिफ्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एन द नेक्स्ट सेवेंटीन ईयर्स प्रेजेंटली जब हम एन की बात करते हैं तो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ देखें ग्रेड अलाउंस है स्पेशल अलाउंस है डी है देन लोकल कॉम्पेसेटरी अलाउंस है यह सब को मिलेगा देन वी हैव द बेनिफिट्स वही सेम बेनिफिट्स हैं जो आपके ग्रेड बी ऑफिसर को थे वही सेम बेनिफिट्स आपको यहां पर भी दिख रहे हैं ठीक है कंप्यूटर्स का फाइनेंशियल डेलीज का आपके मेडिकल एक्सपेंसिस का वो सारे आपको यहां भी मिलते हैं फर्क कहां है लुक एट द अमाउंट दैट इज विजिबल यहां पर क्या है

अब आगे चलते हैं अब बात करते हैं इनकी एज रिलैक्सेशन की हमने एज की तो बात कर ली लेकिन क्या रह गया उसकी एज रिलैक्सेशन तो रह गई थी तो वो बता देती हूँ जैसे रिलैक्सेशन आपको कैसे मिलती है फाइव ईयर्स फॉर द कैंडिडेट्स जो एस सीज़ एंड एस के अंदर फॉल करते हैं उनको फाइव ईयर्स की रिलैक्सेशन है जो कि आपके पास ओ बी सी में uh, हैं उनके लिए थ्री ईयर्स की है और टेन ईयर्स की रिलैक्सेशन है विद फॉर द पर्सन विद डिसअबिलिटीज़ उनके पास वो रहता है और रिलैक्सेशन ऑफ फाइव ईयर्स इज़ फॉर द एक्स सर्विस मैन सो एक्स सर्विस मैन के लिए फ़ाइव ईयर्स की रिलैक्सेशन है सो so, आप अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले अपनी एज क्राइटेरिया को हमेशा चेक करके रखें ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली अपने पेपर्स को प्लान करें ठीक है सो ये आया आपके पास एज रिलैक्सेशन अब बारी आती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दिस एग्जामिनेशन देखिए ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ग्रेड ए के लिए अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ ग्रेड बी के लिए कर सकते हैं आप चाहें तो ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए भी कर सकते हैं और इन फैक्ट आप ग्रेड ए के एग्जामिनेशन को तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रेड ए के लिए अप्लाई कर दिया इसका एप्लीकेशन फॉर्म अलग से भरना है और इसका देना है ठीक है देन फिर मैंने ग्रेड बी का भी एग्जामिनेशन भर दिया ग्रेड बी का जब मैंने एग्जामिनेशन भरा उसमें दो स्ट्रीम्स आई थी एक थी जनरल और दूसरी थी आई टी राइट सो अगर आप चाहे तो आप इसके लिए अलग अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर इन दोनों के लिए सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं बट फर्क क्या होगा जो जनरल और आईटी के अंदर कॉमन पेपर होगा ना वो आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा वो आप सिर्फ एक बार देंगे जो इनके डिफरेंट पेपर्स होते हैं वो आपको अलग से चाहे जनरल का हो चाहे वो आई का हो वो आपको सेपरेटली देना होगा ठीक है जैसे कैंडिडेट्स के लिए हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंप्यूटर लिटरेट हो कन्वर्सेंट हो ये ना स्पेसिफिकली बताता है कि वो लोग चाहते हैं कि उनके पास तो स्पेसिफिक पर्सनस है दिस इज एज पर द नोटिफिकेशन ओनली द नोटिफिकेशन क्लियरली स्टेट्स कि उनके पास क्या हो एमएस ऑफिस और एमएस एक्सेल उनके पास होना चाहिए ठीक है उनको नॉलेज होनी चाहिए उसकी साथ ही साथ यहाँ पर क्या कहते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको परमिट किया जाता है कि वो चाहे तो वो

अब बारी आती है यह तो समझ में आ गया ग्रेड ए क्या है हमें भी समझ में आ गया ग्रेड बी क्या है बट द पॉइंट दैट इज व्हाट्स द मोड ऑफ सिलेक्शन इसका सिलेक्शन सिलेक्शन का प्रोसीजर प्रोसीजर क्या है राइट फॉर द नंबर पहले हम ग्रेड बी की बात करेंगे फिर मैं आपको ग्रेड ए का भी बताऊंगी जब हम बात करते हैं ग्रेड बी के एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास फेज वन में क्या होता है ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है यानी यह भी आपका कंप्लीटली फेज वन भी ऑनलाइन है फेज टू भी ऑनलाइन है और इंटरव्यू रहेगा आपका ठीक है जब हम फेज वन की बात करते हैं फेज वन आपका ऑब्जेक्टिव है जो फेज टू है एज पर द प्रीवियस वन ये ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव था इसके अंदर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन था सो so ये आपके पास ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव है वाइल फेज थ्री इसके अंदर आपको देखने का मिलेगा वो वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रही थी कि कुछ लोगों की डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने नोटिफिकेशन की बिगिनिंग में बताई थी उसका भी एक लिंक है राइट सो चलिए लेट्स हमारे पास अच्छा की अगर बात की तो पर क्या होगा इसका भी वैसा है बट फर्क पता है इसके अंदर आपको मिलेगा कि one, आपका और वाला है और जो इनका फेज टू है वो सीधा जी और इंटरव्यू का है इसमें उसके जैसे फेज टू का ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव वाली चीज नहीं है इट्स बेसिकली डायरेक्टली इंटरव्यू है सो यू कैन सी पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड दिस अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के एग्जाम पैटर्न की क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है ऑफिसर ग्रेड बी यानी मैनेजर के हमने भी इसके तीन बात की ना फेज़ वन है उसका फिर फेज़ टू है और फिर क्या है आपका इंटरव्यू है अगर हम उसके अकॉर्डिंग चले तो हमारे पास क्या क्या करने वाला है जब हम बात करते हैं फेज़ वन की तो वो एम बेस्ड एग्जामिनेशन है जिसमें आपके पास जी रहेगा जहां पर आपके पास क्या है इंग्लिश क्वांट रीजनिंग प्लस जी लेकिन जी कौन सा फाइनेंशियल सेक्टर के हिसाब से कवर करना इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल रहेगा मार्क्स इन्होंने डिफाइन किए हैं 200 मार्क्स का ये रहेगा और आपको मिलेंगे 150 मिनट्स सो so, इसका मतलब आपके पास क्या हो गए टू आवर्स तो आपके पास पूरे कंप्लीट हो गए यानी 120 ट्वेंटी मिनट्स आपके उसके गए प्लस आपके पास क्या रहेगा थर्टी मिनट्स और है यानी टू आवर्स प्लस थर्टी मिनट्स का आपका ये पेपर रहने वाला है और इसके अंदर आपके पास पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है वन थियानी 0.25 की आपके पास नेगेटिव मार्किंग है और आपको इंडिविजुअली सेक्शंस को भी क्लियर करना है और एग्रीगेट में भी क्लियर करना है सो so, आपको ये चीज याद रखनी है कि आप सिक्योर करें मार्क्स इंडिविजुअल में भी और टोटल कंप्लीट के अंदर भी ठीक है चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज फॉर द फेज 1 ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन जैसे हम बात करते हैं इंग्लिश की आपके पास पेपर में क्या है इंग्लिश क्वांट रीजनिंग देन जी ए प्लस कंप्यूटर अवेयरनेस ये आपके पास एग्जामिनेशन में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो डिफाइंड है सबके आपके पास फोर्टी फोर्टी रहेंगे एक्सेप्ट क्वांट जिसके थर्टी मार्क्स आपके पास थर्टी क्वेश्चन रहेंगे बट एट द सेम टाइम लुक एट दिस पॉइंट ध्यान से देखिएगा इस पेपर के अंदर क्या है हमारे पास जो तो रीजनिंग है उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं फिफ्टी ठीक है तो इसके लिए आपको टाइम कितना मिल रहा है अगेन थर्टी फाइव मिनट्स ही मिल रहे हैं ठीक है जबकि आपके पास इसके मैक्सिमम मार्क्स आता है बाकी सबके इंडिविजुअल मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे जो फोर्टी मार्क्स का था इंग्लिश का फोर्टी उसका ड्यूरेशन आपको मिलेंगे थर्टी फाइव मिनट्स जो जी है उसके लिए आपको मिलेंगे ट्वेंटी फाइव मिनट्स नंबर ऑफ क्वेश्चन आर अगेन फोर्टी मैक्सिमम मार्क्स भी फोर्टी कंप्यूटर्स के लेटेस्ट फोर्टी एंड ड्यूरेशन भी आपके पास कितना है ट्वेंटी मिनट्स का है देन क्वांट एप्टीट्यूड में आपके पास 30 मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके पास में और जो आपका ड्यूरेशन है इट इज़ ऑल्सो 30 मिनट्स अगेन जब हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करते हैं जो मैंने आपको बताया आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वन नंबर ऑफ क्वेश्चन वन है क्वेश्चन कम है लेकिन मार्क्स आपके पास पूरे टू हंड्रेड और आपके पास समय कितना है टू आवर्स एंड थर्टी मिनट्स का रहेगा फेज़ वन ऑफ ग्रेड बी देख सकते हैं इसको आराम से फेज वन ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉर ग्रेड बी ठीक है दिस इज फॉर ग्रेड बी नाउ मूविंग ऑन टू द फेज टू जब हम फेज़ टू की बात करते हैं ये आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव है जहां पर आपके पास क्या रहेगा नेगेटिव मार्किंग रहेगी और आपके पास मिनिमम कट ऑफ आपको क्लियर करना है बोथ पेपर वन एंड पेपर टू के अंदर जो इस पेपर को क्लियर करेंगे वही अब आगे कहाँ जाएंगे उसी के बेस पर उनका जो एग्रीगेट बनेगा फेज टू का बोथ ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव का उसके बेस पर कोई पर्टिकुलर पर्सन कहाँ पहुंचता है इन द थर्ड फेज ठीक है अब हमें क्या करना है अब बात करते हैं इस एग्जामिनेशन के फेज टू में क्या रहता है राइट जब हम फेज टू की बात करते हैं आपके पास सबसे पहले आ जाता है इसमें एक पेपर वन है और एक पेपर टू है पेपर वन के अंदर हमारे पास क्या है सारी स्ट्रीम्स के लिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर रहेगा मैक्सिमम कितने मार्क्स का है हंड्रेड मार्क्स का है ड्यूरेशन कितनी है सिक्सटी मिनट्स की ड्यूरेशन है ठीक है देन हमारे पास क्या है आईटी के अंदर हमारे पास अच्छा इसका ना मैंने आपको बताया था दो स्ट्रीम्स हैं अगर दो स्ट्रीम्स हैं तो दोनों स्ट्रीम्स के पेपर भी क्या होंगे अलग अलग होंगे ना तो एक ऑल स्ट्रीम्स को इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर तो सबको ही देना है ठीक है ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपके पास हंड्रेड मार्क्स होंगे

अगर आप में से कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जामिनेशन के अंदर सेबी का एग्जामिनेशन दे चुका है उसके अंदर भी आपको सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेगा लेकिन उसके अंदर फेज़ वन के अंदर भी आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं फिर फेज़ टू में भी ये सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं प्लस आपको मिलता है इंग्लिश इंग्लिशक्रिप्ट का पेपर प्लस आपको क्या नहीं मिलता है उसके अंदर द इज़ ओनली वन डिफरेंस विच यू विल फाइंड इन द फेज़ टू ऑफ सेबी ग्रेड ए एंड एन फ़र्क कहाँ है उसके अंदर एनपीएस के एग्जामिनेशन के अंदर उन्होंने अपनी स्पेशलाइज नॉलेज पेंशन सेक्टर से भी क्वेश्चन पूछने हैं जबकि सेबी ग्रेड एक एग्जामिनेशन में बस आपको पेंशन सेक्टर नहीं मिलेगा बाकी सब चीज़ें एग्जैक्टली exactly सेम है ठीक है फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हमारा आई टी, आई -टी के जो एग्जामिनेशन है अगर आपने तीनों भरे हैं तो आपको इंग्लिश देना है फिर आपको जनरल और आई दोनों देने होंगे और दूसरी चीज़ हो सकती है कि अगर आपने कोई एक दिया तो आपको इंग्लिश देना है और जो आपने पेपर साथ में फिल किया है आपको वो देना है अगर मैंने जनरल भरा है तो मुझे जनरल देना है ठीक है अगर हम इंफॉर्मेशन uh, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास क्या होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ़ दिस स्ट्रीम यानी इसके मास्टर्स और बैचलर्स के अंदर से आपके पास उसकी नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे ठीक है समय कितना है इसके लिए द टाइम दैट इज अवेलेबल फॉर यू इन दिस एरिया इज फोर्टी मिनट्स फोर्टी मिनट्स और इधर भी फोर्टी मिनट्स अगर आपने एक स्ट्रीम में भरा है तो आप सिर्फ जनरल देंगे अगर आपने दोनों स्ट्रीम्स में भरा है तो आपको पहले जनरल का पेपर देना है फिर आपको इसका पेपर देना है दोनों के लिए इंडिविजुअली आपके पास फोर्टी फोर्टी मिनट्स ही रहते हैं अब यहाँ पर इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है फेज थ्री जिसके बारे में बोल रही थी जो आपको बताता है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या था उनके लिए जो मैंने बिगनिंग में बताया है वो कैसे है कि जैसे इसके अंदर मार्क्स ऑप्टेंड इन द फेज टू ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपके पास कितना है सेवेंटी मार्क्स आपके फेज टू के काउंट होंगे यानी फेज वन सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर की तरह बस उसे क्लियर करो ताकि आप फेज टू में जा सको लेकिन आपकी सिलेक्शन फेज टू तय करेगा फेज टू के मार्क्स हैं डिजायरेबल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए उसके लिए आपको मिलते हैं टेन परसेंट ठीक है ये आपकी वेटेज है जो उन्होंने रखी है आपके मार्क्स के हिसाब से मार्क्स विल बी अलॉटेड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स आपने उस फील्ड को दिए है यानी सोचिए मिनिमम डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो तीन साल कह रहे थे अगर किसी की उससे ज़्यादा होगी तो उसकी वेटेज और ज़्यादा बढ़ेगी तो चांसेस ऑफ बींग सेलेक्टेड इंक्रीजेस इफ़ यू आर स्कोरिंग मोर राइट right? तो आपके पास आपके मार्क्स ऑफ टेन प्लस आपकी जो एक्सपीरियंस है उसका वेटेज भी ऐड हो जाएगा फिर इसके बाद 20% ऑफ द मार्क्स वुड बी लिटिंग टू दर इंटरव्यू यानी अगर आप तरीके से इस पेपर को देखते हैं तो आपको पता चलता है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के साथ में आपको एक अपर एज मिल जाता है ओवर अदर्स वेन वी टॉक अबाउट दिस एग्जामिनेशन बट क्या उन लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एज रहता है ऐसा नहीं हो सकता कि अगर यहाँ पर ये टेन परसेंट ही है यानी नो डाउट आपके लिए एक वेटेज के हिसाब से देखा जाए मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है दिस डेफिनेटली हैज़ अ बैड इम्पैक्ट बट अगेन आपका जो मार्क्स इन फेज टू है वो प्लस इंटरव्यू अगर आप उसको भी अच्छे से कर रहे हैं तो भी ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस पेपर को नहीं कर पाएंगे या आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे बिकॉज इट अगेन डिपेंड्स अगर आपका यहाँ पर ही स्कोर बहुत अच्छा है और यहाँ का स्कोर अच्छा है तो ये चीज़ अगर नहीं भी है और कोई और आपसे इस चीज़ में कहीं ना कहीं आगे है लेकिन बाकी दोनों में पीछे है तो अगेन आप अपना चांस बना लेते हैं टू कवर अप द एग्जामिनेशन इन अ प्रॉपर वे राइट अब अगला अपने पास क्या आता है अब हमने एग्जाम पैटर्न किसकी बात करी हमने अभी बात करी ग्रेड बी की ग्रेड बी कौन सा एग्जामिनेशन है ग्रेड बी इज अ हायर लेवल एग्जामिनेशन उसके बाद अपने पास क्या रहता है ग्रेड ए का एग्जामिनेशन चलिए अब ग्रेड ए की भी बात कर रहे थे ग्रेड ए का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है ग्रेड ए का एग्जाम पैटर्न क्या अपने पास में ऑफिसर ग्रेड ए यानी यह है आपका असिस्टेंट मैनेजर है ना अब ये आपके पास आया असिस्टेंट मैनेजर के केस में अपने पास क्या क्या आ जाता है हमारे पास एक आ जाता है सारी स्ट्रीम्स के हिसाब से इसका कोई एक स्पेसिफिक अलग से स्पेशलाइज पेपर तो आता नहीं है तो इसीलिए इसके अंदर आपको जो ग्रेड बी के पेपर के अंदर आप प्रिपरेशन कर रहे English, Quant, then, uh, as well as the, uh, हो इंग्लिश रीजनिंग क्वांट देन कंप्यूटर्स एज वेल एज द इंग्लिश रीजनिंग क्वांट देन कंप्यूटर्स एंड जीए आपके पास ये पांच रहते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास फोर्टी फोर्टी ईच रहेंगे इंग्लिश का रीजनिंग का जीए का और कंप्यूटर्स का थर्टी क्वेश्चंस रहेंगे सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के फिर जब हम बात करते हैं मैक्सिमम मार्क्स की तो मैक्सिमम मार्क्स आपके रीजनिंग के मार्क्स ज़्यादा हैं और बाकी सब के मार्क्स आपके पास कंपेरिटिवली इनसे कम है लेकिन जो ड्यूरेशन है वो थर्टी फाइव थर्टी फाइव ही रहेगा चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो रीजनिंग हो जीए के अंदर आपको मिलेगा कम समय यानी 25 मिनट आपको कंप्यूटर के लिए भी मिलेगा कम समय यानी 25 मिनट यानी 25 फाइव मिनट्स और क्वांटिटेटिव uh, एप्टीट्यूड के लिए आपको मिलेंगे टोटल 30 मिनट्स सो काइंडली लुक एट द फेज वन ऑफ द ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉर ग्रेड ए चलिए आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फेज टू में इसके किस में क्या होता है फेज टू के लिए आपके पास ना उसके अंदर तो काफी चीजें थी ये आपकी फेज टू के हिसाब से ही चल रहा है जो उसका था इसके अंदर फेज टू के अंदर क्या होगा आपके पास जी होगा और आपके पास क्या होगा इंटरव्यू होगा राइट तो इस केस में आपके पास क्या होगा मार्क्स तो भी आपने ऑप्टेन किए हैं आपने फेज वन के अंदर उसका सेवेंटी परसेंट इसमें आपके पास में दो तरह के एग्जामिनेशन है ना क्योंकि उसमें तीन थे पहले आप फेज वन दोगे फिर फेज टू दोगे फिर फेज थ्री पर आकर इंटरव्यू में पहुंच इसमें एक ही मेन आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है फेज वन फेज टू के अंदर आपके पास डायरेक्टली क्या है मार्क्स अपटेंट आपके सेवेंटी परसेंट होते हैं ये आपके पास जी और इंटरव्यू दोनों का कंबाइंड है फेज़ टू में ही आया तो जो फेज़ वन के मार्क्स है वो आपकी क्वालिफिकेशन के लिए काउंट होंगे उसके बाद इंटरव्यू कितना है जी के लिए 10% यानी ग्रुप डिस्कशन में जो आपका मार्क्स होगा वो 10% रहेगा और इंटरव्यू के अंदर वो 20% रहेगा सो so, आपके पास फेज वन और फेज टू फॉर ग्रेड ए ये रहता है तो ग्रेड ए के अंदर दो फेजेस हैं और ग्रेड बी के अंदर तीन फेजेस हैं ग्रेड बी का जो सिलेबस है वो आपको सिमिलर दिखता है सेबी के साथ में लेकिन क्या सिर्फ सेबी के साथ में मैच कर रहा है क्या कोई और एग्जामिनेशन है जिसके साथ में हम इसे कंपेयर करके या बोल सकते हैं पूरा तो नहीं लेकिन हाँ उसका कुछ चंक यहाँ पर कवर किया जाता है राइट विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एग्जामिनेशन एज़ वेल चलिए बात करते हैं उस बारे में भी वो हम कैसे बात कर सकते हैं वो हम बात करेंगे यहाँ सिलेबस के साथ में सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन इन टर्म्स ऑफ देर ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया सिलेबस है आई ऑलवेज सजेस्ट एसपरेंस कि जब भी आप प्रेपरेशन शुरू करते हैं गो ऑन टू यूर रिलाईबल एरियाज एंड द बेस्ट थिंग टू डू इज की गो थ्रू द नोटिफिकेशन उसी में आपको पूरा सिलेबस दिख जाता है तो वहीं से उसको प्रिंट आउट निकाल कर रखिए और अपने सामने लगा कर रखिए एवरी डे वेन यू सिट एंड स्टडी यू शुड सी कितना सिलेबस पड़े वो आपको जितना दिखता है आप उतना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं दैट्स वेयर यू कैन लुक फॉरवर्ड टू द सिलेबस देर राइट चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं मैंने आपको बताया था इसमें आपके पास क्या क्या है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी फाइनेंस मैनेजमेंट कंपनी लॉ यानी कंपनीज एक्ट है इसके अंदर देन इसके अंदर आपको मिल जाता है इको का पोर्शन यानी इकोनॉमिक्स का भी सो लेट्स टॉक अबाउट इट कमर्स एंड अकाउंटेंसी के अंदर इसमें क्या क्या आता है दिस इज अकाउंटिंग एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम राइट right? हम इसकी बात करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसके इसमें क्या होगा यहाँ अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तौर पर रहा देन हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहेंगे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं हैं कुछ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसन है इन्वेंट्रीज है रेवेन्यू रिकोगशन है देन फिक्स्ड एसेट्स हैं फॉरेक्स है यानी फॉरन एक्सचेंज है और आपके पास क्या है इन्वेस्टमेंट है ये सेम सिलेबस आपको सेबी के ग्रेड एक एग्जामिनेशन में भी दिखता है ठीक है देन कैश फ्लो और फंड फ्लो है सो so, हमने क्या बात की कैश फ्लो और फंड फ्लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रेशियो एनालिसिस ये सारा आपको सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन में भी मिलता है यानी इट्स विन-विन सिचुएशन इफ़ यू आर थिंकिंग टू प्रिपेयर फॉर एन पी एस सो आपको उसी के साथ में क्या मिल जाता है आपको एन पी एस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जुड़ते हुए यू आर ऑल्सो एबल टू इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ़ राइट? सो right? so, आपके पास इसमें कैश फ्लो है फंड फ्लो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल एज रेशियो एनालिसिस है फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन आपको मिलेगा बोनस राइट शेयर आपको मिलेंगे इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन यानी ई सॉप और बाय बैक यानी जब इम्प्लॉयज को कंपनी uh, रिवॉर्ड करती है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज

मिलते हैं. जैसे नंबर वन मैनेजमेंट का बेस यानी उसके मैनेजमेंट की प्लानिंग उसकी ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ये है मैनेजमेंट के फंक्शंस सो so, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है ठीक है नंबर टू द रोल ऑफ मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप द टास्क ऑफ अ लीडर ये आपको मिल जाता है देन आपके पास लीडरशिप स्टाइल्स हैं लीडरशिप की थ्योरीज हैं सक्सेसफुल लीडर कौन होता है लीडरशिप की थ्योरीज में अब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक थ्योरीज नहीं गिवन तो आपको जितनी थ्योरीज आपको आपके सोर्सेज से मिलती हैं वो सारी आपको प्रिपेयर करनी चाहिए बिकॉज जो थोड़ी सी रेयर या बहुत ज़्यादा कॉमन थ्योरीज हैं दोनों के अंदर से आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं सो देन यू नीड टू बी वेरी एल से विजिलेंट ऑन दिस थोड़ा विजिलेंट होकर चलना पड़ेगा कि अगर इतना सब कुछ प्रिपेयर करना है तो तरीके से उसे प्रिपेयर किया हो तो बेहतर रहेगा राइट फिर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का टॉपिक है यानी स्टाफिंग के अंदर स्टाफिंग ना एक्जैक्टली इसी के अंडर से निकला है यानी स्टाफिंग और एच के अंदर आपके पास कुछ चीज़ें ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अगर हम देखें तो वाइडर टर्म आपकी एच को मानते हैं ठीक है ठेके? तो वो हमें कवर करना है उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसके गोल्स क्या है आपको वो समझना है बट इस पेपर के हिसाब से बस इतना ही लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आर ग्रेड बी के अंदर आरबीआई ग्रेड बी के अंदर भी है उसमें आपके पास लीडरशिप का पूरा टॉपिक भी है और इवन मोटिवेशन का पूरा टॉपिक भी है यानी एक एक पर्टिकुलर पेपर पेपर एनपीएस के के प्रिपरेशन करने बैठेंगे तो आप सिर्फ एक नहीं। आप सिर्फ नहीं तीन पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट को कवर कर रहे होंगे जैसे इसमें क्या है मोटिवेशन क्या होता है किसी को मोटिवेट करना क्या होता है उसके साथ में मुराल और इंसेंटिव यानी देखिए कई बार लोग बोलते हैं ना लोगों का मुराल गिर रहा है वो काम नहीं कर पा रहे क्या दिक्कतें हैं किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऐसे लोगों को जो काम नहीं करना चाहते हैं उनका मोरल बूस्ट करती है उनको इंसेंटिव देती है और बोलते हैं कि नहीं कीजिए काम वो सब चीज़ें किस तरीके से होती हैं वो आपको यहाँ मिलेगा थ्यूरीज़ ऑफ मोटिवेशन आप करनी है कि एक मैनेजर मोटिवेट होता तो होता कैसे है फिर कंसेप्ट ऑफ मोराल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इसके साथ में जुड़ते हैं और रोल ऑफ इंसेंटिव इंसेंटिव का क्या रोल है इसके अंदर फिर बारी आती है कम्युनिकेशन की अगेन जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के टॉपिक की कम्युनिकेशन यानी कोई भी चीज आपको दूसरों से बात करनी कम्युनिकेशन की प्रोसेस की उसके चैनल्स क्या है ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन की बात की जाए ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन में फर्क क्या है कम्युनिकेशन का एग्जैक्ट सेम टॉपिक आपको आर में दिखेगा एग्जैक्ट सेम टॉपिक आपके पास से भी में भी है और प्लस तीसरा एन सो थिंक अबाउट दिस एक एग्जामिनेशन के अंदर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करेंगे और उसके टॉपिक्स आपको एज इट इज मिल जाते हैं उन दोनों में भी रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होती है आपके पास डाउनवर्ड एंड अपवर्ड या फिर लेटरल कम्युनिकेशन क्या है बैरियर्स क्या है इसके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बैरियर्स क्या रहते हैं कम्युनिकेशन के अंदर रोल ऑफ आई -टी. अगर एक क्विक टिप दूँ तो जितना अभी मुझे पिछले कुछ समय में पेपर्स में पैटर्न में देखने को मिल रहा है वो ये है कि इन सब एग्जामिनेशन के अंदर आपको ना अब मैनेजमेंट ना प्योर थियोरेटिकल बनाना बंद हो गया डेफिने के फॉर्म में देकर उसमें से निकालने वाली चीज धीरे धीरे वो कम करते जा रहे हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यानी जिसे वो बोलते हैं एज पर द डिटेल्स रिगार्डिंग आपका एप्लीकेशन बेस्ड यानी केस स्टडी बनाएंगे और उस केस तरीके के बेस में पूछेंगे कौन सा कंसेप्ट लग रहा है आपको वो कौन सा कंसेप्ट सोचना है और उसके हिसाब से आंसर करना है तो मैनेजमेंट का क्विक टिप ये मत सोचेगा कि अच्छे तो थ्योरी हम तो पढ़ लेंगे उस हिसाब से रीड बिटवीन द लाइंस ओनली देन यू विल बी एबल टू लुक फॉरवर्ड टू इट नॉट ओनली फ्रॉम द एरिया ऑफ एन आप एक बार पढ़ने बैठेंगे उसी के हिसाब से टॉपिक को आर और सेबी दोनों के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं तो समझदारी से ये काम कीजिएगा जल्दी जल्दी नहीं और बिना सोचे समझे नहीं पढ़ाई करनी इसकी इनके टॉपिक्स के हिसाब से चलिए और देखिए कि एन के पिछली बार के पेपर में आपको क्या

देखिए सेबी में भी यही आपको देखने को मिलेगा एंड uh, ये आपको आर में भी ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे फाइनेंशियल सिस्टम क्या है देन रोल्स एंड रेगुलेश फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन द फाइनेंशियल सेक्टर फिर बारी आती है फाइनेंशियल मार्केट्स कौन कौन सी है प्राइमरी मार्केट है सेकेंडरी मार्केट है फॉरेक्स है मनी है बॉन्ड है इक्विटी है वो सब आपको देखने को मिलेगा फिर हमारे पास एरिया आता है जनरल टॉपिक्स का बेसिक्स ऑफ डेरीवेटिव यानी फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स एंड स्वैप, डेवलपमेंट्स क्या आए हैं उसके अंदर फिर बारी आती है फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी टेक्नोलॉजी किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है प्राइवेट सेक्टर सोशल कॉस्ट बेनिफिट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पी पी धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों साथ में लगकर काम करने लगे हैं तो पीपीपी आपको देखने को मिल जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको पढ़ने हैं नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू किस तरीके से सरकार पैसा कमाती है विच इज़ अदर देन द टैक्स रेवेन्यू राइट देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द जीएसटी अगेन जीएसटी एक बहुत बड़ा एक्ट है आप ऐसे पेपर्स के लिए जब भी प्रिपेयर करते हैं तो ये मत सोचिए यू हैव टू गो टू द एंटायर एक्ट यू हैव टू प्रिपेयर वेरी स्मार्टली किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं

अब एक और टॉपिक ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सेबी प्लस एनपीएस में कॉमन दिखेगा ठीक है ये सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है और ना थोड़ा टेक्निकल भी है तो जब आप कॉस्टिंग प्रिपेयर करते हैं तो इसको ध्यान से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है जैसे आपके पास ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसकी इंट्रोडक्शन आ जाती है उसके ऑब्जेक्टिव है उसका स्कोप सब आपको डिफाइन मिलेगा देन आपके पास आता है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग क्या सिंगल है जॉब बैच कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस ऑपरेशन कॉस्टिंग कॉस्टिंग ऑफ द सर्विस सेक्टर्स यानी हमारे पास क्या आएगा डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स आ जाते हैं ये सारे मेथड्स जो हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं जैसे कस्टमाइज uh, गुड है तो उसके लिए जॉब कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई कस्टमाइज गुड नहीं है तो सब लोगों ने वो इस्तेमाल करना होता है बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे बनाई जाने वाली चीज़ है तो उसके लिए हम यूनिट कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं अगर कोई चीज़ हम लॉट में बनाते हैं तो वहाँ पर बैच कॉस्टिंग है अगर हम कोई uh, अगर मैं कोई ब्रिज बना रही हूँ अगर मैं कोई फ्लाईओवर्स बना रही हूँ अगर मैं कोई नेचर प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रही हूँ तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अगर मैं कोई ऐसा काम कर रही हूं जिसमें ना अलग अलग प्रोसेस है यानी प्रोसेस वन प्रोसेस टू प्रोसेस थ्री प्रोसेस फोर वो इस तरीके से मूव करता है तो हमें वहां पर क्या मिलेगा प्रोसेस कॉस्टिंग मिलेगा ठीक है तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग का एरिया फिर हमारे पास आता है इसके बेसिक्स कौन कौन से हैं कंट्रोल है? है? और एनालिसिस के देखिए जब हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनाइजेशन कॉस्टिंग को लेकर बड़े प्यार से सोचते हैं कि ओके दिस इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट दैट वी वुड लाइक टू सी इन फ्यूचर इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर कोई चीज बनानी है तो बस वो दस रुपए में बन जाए लेकिन क्या सपना सपना रह जाता है क्या सच वही होता है कि कुछ अलग होता है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज देयर मार्जिनल कॉस्टिंग इज देयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड सेट करवाती है मार्जिनल कहती है मुझे ना फिक्स कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है आप मुझे बताइए वेरिएबल कॉस्ट का क्या स्कोप है वेरिएबल यानी जो हर बार आउटपुट के साथ बदलती है कॉस्ट उसका क्या सिनेरियो है उसकी क्या वर्किंग है एंड देन वी हैव द बजट एंड द बजट कंट्रोल बजट यानी जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स uh, में देखते हैं वैसे ही अकाउंट्स के हिसाब से अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के ब्रांच की बात करें तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास ना कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर या कॉस्टिंग के अंदर फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन इन कहाँ अपने आपको दिखते हैं उसकी क्या सेल्स है क्या परचेज है क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है वो आपको सारा यहाँ पे कवर होता हुआ मिलता है देन इसके अंदर ही आपको एक और टॉपिक बता रहा है दैट इज जो नए सिस्टम निकल कर आए हैं कॉस्टिंग के अंदर जैसे इंट्रोडक्शन टू लीन सिस्टम जे यानी जस्ट इन टाइम है काइजन कॉस्टिंग है फाइव एस यानी जापान ने ना बहुत सारे मेथड्स दिए थे से, ये जो फाइव मैथ सेरी, सेसो सेतो, शित्सुके एंड सिकेत्सु ये आपको मिल जाते हैं इसके पांच फाइव एस जिसको हम बोलते हैं यानी कोई भी चीज़ आप अपने पास आ, कोई भी नया बदलाव लाने की कोशिश करते हैं ना तो पहले चीज़ को आप सॉर्ट कर लीजिए उसको तरीके से रखिए फिर स्टैंडर्डाइज कर दीजिए उसको ना तरीके से शाइन करवाइए एंड देन यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू द एंटायर थिंग ये ना सीक्वेंस में चलने वाली चीज़ है तो यानी वो लोग क्या कहते हैं कहते हैं चीज़ों को ना तरीके से आप क्या करें पहले देखिए कि किसी चीज़ में बदलाव की जरूरत है अब उसको बदलाव के हिसाब से सा देखिए उसको अलग अलग कीजिए चीज़ों को उसके बाद उसको ना एक तरीके से साफ़ कर दीजिए एंड देन कीप दैट पर्टिकुलर थिंग इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म उसको चेंज नहीं करना ना फिर नया सन बनाना ना कि अगर मैंने कोई वो चीज़ बोली कि यहाँ पर मुझे अपना ये वाला सामान रखना है वो वहीं रखना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ कॉस्टिंग में निकल कर आएंगी फिर उसके बाद टी पी एम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस अगेन अ न्यू टॉपिक अच्छा टॉपिक है और टेक्निकल टॉपिक्स

सही और अच्छा बनाना चाहते हैं और फिर अपने पास होता है बी पी आर यानी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग यानी हमारे पास क्या होता है हम लोग ना बिज़नेस के प्रोसेस को बदल देते हैं पूरी तरीके से कहते हैं पुराने वाले काम नहीं कर रहे वी नीड अ न्यू वन सो वो हमें देखने को मिलता है यानी बी पी आर के अंदर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के अंदर ठीक है ये हमारा कॉस्टिंग का है ये आपके पास सेम टॉपिक आपको से में मिलेगा अगेन द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपनीज एक्ट पूरा कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ना और कौन सा कंपनीज एक्ट पढ़ना है 2013 का द कंपनीज एक्ट हैज़ टू बी रेड और वहां पर हमारे पास स्पेसिफिक रेफरेंस देनी है चैप्टर थ्री चैप्टर फोर चैप्टर एट चैप्टर टेन चैप्टर इलेवन ट्वेल्व एंड देन वी हैव चैप्टर ट्वेंटी इसके अंदर कंपनी क्या होती है कंपनी के प्रोविजंस क्या रहते हैं और उसके बाद अगर कंपनी लोगों को शेयर इशू कर रही है तो कुछ बताएगी तो यानी जब वो अपने प्रॉस्पेक्टस इशू करती है प्रॉस्पेक्टस के अंदर कोई गड़बड़ कर देती है तो उसकी मिस स्टेटमेंट के साथ में क्या होता है वो हमारे पास करने वाला एक टॉपिक होता है प्रॉस्पेक्ट्स हो गए डायरेक्टर्स हो गए एक कंपनी को कौन संभालता है डायरेक्टर्स संभालते हैं अगर ये डायरेक्टर्स अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं कंपनी के लोगों को या फिर कंपनी के फंड्स को एक्सप्लॉयट करते हैं अपने हिसाब से तो वो हमें इसमें कवर करना है प्रोस्पेक्टस हो गया डायरेक्टर्स हो गए देन हमारे पास में ना इसमें एन यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को हमने कवर करना है जो एपलेट ट्राइब्यूनल जस्ट जो कंपनीज की सारी आ, वर्किंग को देखते हैं उनके अंदर गड़बड़ चल रही है कि नहीं चल रही है उन सब चीज़ों को देखते हैं वो हमारे पास कंपनीज एक्ट के अंदर कवर होता है देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है द एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स यानी जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की ये आपके पास टॉपिक्स ऐसे है इसकी इकोनॉमिक्स थोड़ी सी एक्सक्लूसिव चलती है यही आपको एन में मिलेगी सेम आपको सेबी में मिलेगी अदर देन दैट थोड़े चांसेस कम है कि आपको ये बिल्कुल सेम आर में मिले आर की थोड़ी सी डिफरेंस ही है देन यहाँ पर क्या है डिमांड और सप्लाई है मार्केट स्ट्रक्चर है नेशनल इनकम है या आपको कई एग्जाम स में और जगह भी दिखती है तो ये तो आपके लिए डेफिनेटली की इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप देख सकते हैं उसके कॉन्सेप्ट उसकी मेजरमेंट क्लासिकल एंड केंद्रियन अप्रोच आपको प्रिपेयर करनी है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आपको करना है कंजम्पशन फंक्शन है इन्वेस्टमेंट फंक्शन है मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी आई एस एल एम को आपको पढ़ना है इसके अंदर से ना क्वेश्चन आ जाते हैं पिछली बार भी आए हुए थे सेबी के पेपर में भी थे अभी जो लास्ट सेबी का पेपर भी हुआ उसमें भी क्योंकि सेम सिलेबस से था इसमें से फिर क्वेश्चन थे देन आपको इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व पढ़ना है और बिजनेस साइकिल्स को पढ़ना है अगेन मैंने आपको कहा था ना कि इकोनॉमिक्स का अंदर भी आपको इन्फ्लेशन का टॉपिक मिलेगा और वहाँ भी मिलेगा इज़ इन्फ्लेशन यहाँ भी है मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज आपको प्रिपेयर करनी है बी ओ पी प्रिपेयर करना है और फॉरेक्स मार्केट्स करनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स ठीक है अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है इस पेपर के अंदर जो आपको बाकियों से अलग मिलता है पेंशन सेक्टर पेंशन सेक्टर का कुछ स्कीम्स in कौन कौन सी इंडिया और उसके फीचर क्या है न्यू पेंशन का पूरा सिस्टम क्या है देन अटल पेंशन योजना आपको प्रिपेयर करनी है एनुटी प्लान एज वेल एज द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके चलना है इसके अंदर से भी आपको क्वेश्चन आएंगे अगेन क्योंकि ये एनपीएस का एक्सक्लूसिव अपनी स्पेशलाइज एरिया जाता है सो so ये आपको अच्छे से पढ़ना है बिकॉज यहां पर आपको बहुत बेनिफिट होगा इंटरव्यू के अंदर भी इसके अंदर से जो पड़ी हुई चीजें हैं वो आपको इंटरव्यू के अंदर भी उतनी ही हेल्पफुल प्रूव होंगी जितना आपको बाकी फेजेस में करेगी ठीक है सो so ये आपको अच्छे से पढ़ना है सो so, अब मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी कि एन पी एस के एग्जामिनेशन यानी न्यू पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके जो ग्रेड ए और ग्रेड बी का एग्जामिनेशन आता है उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है वो उसको सॉर्ट करके चलना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं इस पेपर को देख रही हूँ तो क्या मैं सिर्फ इस पेपर को देखूँ कि मैं और पेपर्स को भी देखूँ बिकॉज इसकी वैकेंसीज बहुत लिमिटेड रहती हैं और वो लिमिटेड वैकेंसीज में अगर आपको एंटर करना है तो आपको एन के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम है बट यू कैन सी कि उसकी स्केल कितना अच्छा है ट्वेंटी लैक के आसपास आपको दिख जाता है अगेन अ वेरी दैट दे आर गिविंग सो अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा आपको प्रिपेयर करना है वॉट कैन वी डू फॉर दिस आप क्या कर सकते हैं जस्ट गो ऑन टू द एरिया ऑफ आप गूगल पर आ जाएं या फिर आप अपने फोन में डाउनलोड कर ले हमारी ऐप अंडर ट्वेंटी फोर सेवन ठीक है जस्ट ओपन द्वेंटी फोर सेवन ऐप और उसके बाद हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा केन यू सी यहाँ पर आपको ना बैंक uh, महापैक दिख जाता है हम क्या करेंगे लेट्स फॉरवर्ड टू दिस इन टर्म्स ऑफ जॉब्स के अंदर ना मैं आपके पास ओके okay. चलिए यहाँ से हम डाल लेते हैं यहाँ पर ना आपके पास एक बैच रहता है हमारी तरफ से दैट इज अ बाइलिंगुअल बैच दैट इज कॉल्ड बैंक महापैक प्लस इस पॉर्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे सी तो पॉइंट इज़ हर एक स्टूडेंट बहुत से पेपर्स को इकट्ठा टारगेट कर रहा होता है बट द पॉइंट इज़ कि हर बार हर पेपर के हिसाब से पूरा डेटा दोबारा ढूंढो कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है तो आपके पास रेगुलेटरी बॉडीज़ के डिफरेंट एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए एक ही स्पेसिफिक आपको जगह मिल जाएगी दैट इज़ हमारा बैंक महापैक प्लस यहाँ पर आपके पास क्या है आई बी पी एस एस बी आई सिड बी आर बी आई ग्रेड बी देन सेबी ग्रेड ए नबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी और उसके साथ बहुत सारे अदर ग्रेड ए एंड ग्रेड बी एग्जामिनेशन को कवर करता है ये पैक इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है आपको फाइव हंड्रेड आवर्स की लाइव टीचिंग है आपके पास यहाँ पर टेस्ट सीरीज है देन आपके पास वीडियोज़ है ई e बुक्स आपके पास अवेलेबल है और इसमें अलग अलग आपको वैलिटी मिलती है यानी ट्वेल्व मंथ सिक्स मंथ एंड ट्वेंटी फोर मंथ्स की वैलिटी है अलॉन्ग विद दिस आपके पास क्या हो जाता है ये देखिए ये सारे पेपर्स उसके अंदर है यहाँ पर इंटरव्यू प्रेपरेशन तक इसमें कवर की जा रही है लाइव वेबिनार्स भी आपके पास कवर होंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी इसमें के पास कवर है मॉक वीडियो सेशन भी आपको मिल जाएंगे इसके अंदर और ये रहा आपके पास आईबीपीएस आर आरबी आर पी पी क्लर्क पीओ आई क्लर्क एंड पीओ ओ असिस्टेंट इसमें कवर होता है देन ऑल रीजनल एंड देन आपके पास एन आई ए सी एल एन एच बी स्केल वन ये सारे पेपर्स उसमें कवर होते हैं देन उसके बाद हमारे पास बारी आ जाती है यहाँ रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो आई सारे पी एस बी सारे आर आर बीज आर बी आई ग्रेड बी से बी ग्रेड ए देन नबार्ड ग्रेड ए ग्रेड बी एंड सिड बी ग्रेड ए प्लस अब आगे वाले आने वाले समय में एन पी एस बी आपको इसके साथ में दिख जाता है आपके पास सेबी का तो है ही क्योंकि सेबी का और आपका सिलेबस बहुत सिमिलर है एंड अगर आप आरबीआई ग्रेड बी या फिर किसी भी और एग्जामिनेशन को भी टारगेट करके चल रहे हैं तो दिस पर्टिकुलर पैक इज फॉर यू तो आपको क्या करना है is, यहां पर जाइए और टाइप कीजिए वाई 538 कूपन कोड में लगाइए Y538 और अप्लाई कर दीजिए यहां से जैसे ही आप ये अप्लाई करते हैं आपके पास में मेंंड्रेडी नाइन एट अगर आप इसे ऐप से करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है सो so, आपको क्या करना है द अमाउंट इज रिड्यूस बाई सेवेंटी यानी परसेंट सेवेंटी का डिस्काउंट आपके पास अवेलेबल है अगर आप यूज करते हैं द कोड Y538 ठीक है सो देन आपके पास यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल रहता है ऑफ द बेस्ट कपून डू के

Just a suggestion when you are preparing for any uh, multiple examination scenario and somehow.

हमारी ऐप पर जाकर इसको चेकआउट जरूर कीजिएगा बैंक महापैक प्लस सर्व्स एवरी डिमांड इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट आई कैन से फॉर द रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट और ऑन आवर ऐप एंड स्टे ट्यून्ड रेगुलेटरी बॉडीज़ को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन उसे सब्सक्राइब कीजिए बेलईकन को प्रेस कर...